खबर हनुमानगढ़ से है, जहां इंदिरा गांधी नहर में मार्च में 8000 क्यूसेक पानी चलाया जाएगा। इस बारे में बीबीएमबी की बैठक में सहमति बन गई है, मगर अभी तक विभागीय अभियंता प्रदेश की इंदिरा गांधी नहर के रेगुलेशन के बारे में स्थिति साफ नहीं कर रहे हैं। किसान संगठन गेहूं की पकाई के लिए लगातार 2 मार्च के बाद भी एक रोटेशन सिंचाई पानी चलाने की मांग कर रहे हैं। अभी 2 मार्च तक रेगुलेशन स्वीकृत है, इसके बाद का रेगुलेशन अभी तक जारी करना शेष है। इस बारे में अभियंता अभी विचार विमर्श करने में लगे हैं। जल संसाधन विभाग संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहरडा ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर में 21 मार्च से 60 दिन की बंदी प्रस्तावित है। ऐसे में पीने के पानी का भंडारण भी करना है, ये 10 जिलों की अनिवार्य आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि 3 में से 1 समूह में रोटेशन को लागू करने के लिए से पूरा करने में 25.5 दिन लगेंगे, जबकि बंदी नजदीक है। मुख्य अभियंता ने उपलब्ध पानी पर चर्चा करके जल्द समुचित रेगुलेशन तैयार कर सिंचित क्षेत्र आयुक्त को भिजवाने की बात कही। वहां से रेगुलेशन मंजूर होने के बाद इसे लागू किया जाएगा।